हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है ठंडाई, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। होली पास आ गई है और होली पे ठंडाई ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप झटपट से ठंडाई कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पिस्ता लिया है, तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे छोटी इलायची, तो यहाँ मैंने 5 छोटी इलायची ली है, और 1 कप मैंने यहाँ शक्कर ली है। 15 से 20 हम लेंगे बादाम। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ बड़ी सौंफ ली है। 15 से 20 हम लेंगे काली मिर्च। 1 चुटकी मैंने यहाँ केसर लिया है, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ लेंगे पोस्ता दाना यानी कि खसखस, और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ लिया है तरबूज के बीज। अब सारी चीज़ों को हमें पीसना है, तो अब हम इसको पीसेंगे। इसके लिए हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सारी चीज़ों को एक एक करके हम डालेंगे। तो हम शक्कर डाल देते हैं, पिस्ता डालेंगे, सौंफ डाल देते हैं, बादाम, तरबूज के बीज, पोस्ता दाना, काली मिर्च, छोटी इलायची और केसर। इसका हमें 1 महीन पाउडर बनाना है, तो हम इसको पीसेंगे। हमने इसे पीस लिया है और देखिए कितना महीन पाउडर बना है। इसके बाद में हम इसको छानेंगे, क्योंकि जो सौंफ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो मिक्सी में आसानी से नहीं पिस पाते हैं, तो जब इसको आप छानेंगे तो वो टुकड़े आसानी से निकल जाएंगे। ये हमने टुकड़ों को निकाल लिया है, तो अब इसको हम हटा देते हैं, और ठंडाई का पाउडर हमारा बनके तैयार है। अब इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। ये जो आपका ठंडाई का पाउडर है वो 3 से 4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठंडाई पाउडर तो हमने बना लिया है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 ग्लास और उसमें थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे, और 3 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे ठंडाई पाउडर। इस समय हम शक्कर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम पहले ही इसमें शक्कर डाल चुके हैं। अब ठंडा दूध लेंगे और उसे डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब थोड़े से ऊपर से हम डालेंगे रोज़ पेटल्स और चॉप किया हुआ पिस्ता। लीजिए, हमारी ठंडाई बनके तैयार है। इस होली मेरी तरीके से ठंडाई बना के ज़रूर देखिएगा, और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बना के ज़रूर पिलाइए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।